नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप गुलेरिया आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल प्रणव रियल स्टेट प्रणव रियल्टर से। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर आपके लिए एक शानदार घर लेके। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो 3 BHK फ्लैट के ऊपर रहने वाला है। लोकेशन की अगर बात करें तो बहुत प्राइम लोकेशन में ये कहूँगा, हार्डली जो आपका खरड़ चंडीगढ़ हाईवे है उससे महज 100 मीटर के डिस्टेंस पर आपका ये शानदार घर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। लोकेशन अगर मैं एग्जैक्टली आपको समझाऊं, जो हमारा सनी इनक्लेव और निज्जर चौक जो है उसके जस्ट एडजॉइनिंग ही आपका ये घर आपको मिलने वाला है। सेक्टर 126 पड़ता है ये। मैं अपने कलीग को रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार एलिवेशन दिखाएंगे आपको वो। तो इस तरह से आपका एलिवेशन इस पूरी बिल्डिंग का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका एलिवेशन जो है वो आपको नज़र आने वाला है यहाँ पे पूरी एंटायर बिल्डिंग का। इसमें सिर्फ हमारे पास लिमिटेड इन्वेंट्री है, सिर्फ 2 फ्लैट ही यहाँ पे अभी आज की डेट में हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं। तो जो हमारे इंटरेस्टेड व्यूअर्स हैं तो देर ना करिए, अगर आपको ये फ्लैट पसंद आता है तो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम अंदर सैंपल फ्लैट में आपको लिए चलते हैं। तो दोस्तों, सैंपल फ्लैट में अंदर विजिट करवाने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो डोर है वो दिखाना चाहूँगा। तो इस तरह से आपका जो है मेन डोर आपको मिल जाता है, मैच डोर का भी प्रोविजन दिया गया है जो कि हमें, आप ये देख सकते हैं इस तरह से हमें मिलता है यहाँ पे। और बाहर में अगर आउटर की भी बात करूँ, स्पेस की भी, तो इस तरह से आपका जो है आउटर स्पेस मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर नीचे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास जगह जो है मोटर लगाने के लिए हमें मिल जाती है यहाँ पर। और स्टेज आप ये देख सकते हैं ऊपर, अगर आप फर्स्ट फ्लोर या टॉप फ्लोर पर अगर आप लेते हैं तो एक्सेस जो है स्टेज के लिए ऐसे रहने वाला है। तो आइए चलते हैं हम अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया रहने वाला है। तो आप स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस हमारा ये एरिया भी हमें मिलता है यहाँ पे। और बात करें ऊपर फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग भी आपको शानदार डिज़ाइन में आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इधर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो वॉलपेपर है, एक सुंदर सा वॉलपेपर जो है हमें यहाँ पर दिया जा रहा है। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो है हमें एक LED पैनल जो है वो दिया जा रहा है यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे अपना TV वगैरह इजिली यहाँ पे पैनल में लगा सकें। नीचे आपको ड्रॉज मिल जाते हैं और साइड में भी आप देख सकते हैं इस तरह से आपको जो है एक रैक बना के दिया जा रहा है, ताकि अपने अगर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह रखना हो तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो ओवरऑल आपका जो है ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया रहेगा। तो यहाँ पर आप अपना डाइनिंग टेबल भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और इसी के सामने हमारा जो है वो किचन मिलता है हमें यहाँ पे। तो दोस्तों, किचन का भी आप ये स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस जो है वो किचन भी आपको मिलता है यहाँ पे। और अगर बात करें यहाँ पे कबर्ड्स की और कैबिनेट्स की, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे जो नीचे ड्रॉज मिल जाते हैं, सॉफ्ट क्लोजर में आपके ड्रॉज रहेंगे यहाँ पर। और ग्रेनाइट मार्बल जो है, ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल आपको मिलता है यहाँ पर। कलर कम्बिनेशन आप ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर कम्बिनेशन जो है आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पे हाइड्रोलिक जो है कैबिनेट्स आपको ऊपर यहाँ पे मिल जाते हैं। सिंक आपकी जो है ड्यूल सिंक रहेगी, साउंड प्रूफ सिंक मिलेगी आपको। और इधर भी आपको एक वेंटिलेशन के लिए जो है विंडो यहाँ पे भी दी जा रही है। तो ओवरऑल किचन जो है काफ़ी स्पेशियस, इस तरफ भी आप देख सकते हैं काफ़ी आपको जो है ड्रॉज नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो किचन में आपको सामान रखने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें ऊपर फॉल सीलिंग की भी, किचन में भी आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग जो है वो मिलती है। आप ये देख सकते हैं फॉल सीलिंग जो है एक बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन में आपको यहाँ पे भी किचन में देखने को मिल जाती है। अब बात करेंगे अपने बेडरूम्स की, तो दोस्तों आइए ले चलते हैं आपको फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम का भी आप ये स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस जो है आपको बेडरूम मिलता है यहाँ पर। और ऊपर भी अगर बात करें फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं एक डिज़ाइनर फॉल सीलिंग यहाँ पर भी आपको जो है देखने को मिल जाती है। बात करेंगे अपने वॉशरूम की भी, तो वॉशरूम का भी आप ये साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस जो है वो आपको वॉशरूम यहाँ पे मिलता है। और टाइल हाइट्स जो है आपकी वॉशरूम की रहने वाली हैं, और नीचे एंड इसके टाइल्स रहेंगी, और सारी बाथ फिटिंग जो है वो आपको करवा के यहाँ पे दी जाएंगी। और इस तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलमीरा जो है फुल सीलिंग हाइट अलमीरा आपको मिलती है यहाँ पे, तो काफ़ी सामान आप यहाँ पे अपना इजिली रख सकते हैं। LED पैनल भी हमें यहाँ पे दिया जा रहा है,
तो अब ये देख सकते हैं इस तरह से हमें एलईडी पैनल जो है यहाँ पे मिल जाता है, और इस तरफ भी आपके पास एक वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए प्रॉपर यहाँ पे भी एक विंडो दी जा रही है, और इस स्पेस का भी आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला फर्स्ट बेडरूम, अब लिए चलते हैं आपको सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों अब हम अपने सेकेंड बेडरूम में, तो सेकेंड बेडरूम का भी आप ये स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस आपका बेडरूम भी रहेगा। ऊपर बात करें ऊपर फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग भी आप ये देखिए एक शानदार डिज़ाइन में हमें फॉल सीलिंग यहाँ पे मिल जाती है, और इस तरफ आपका जो है आपका पीछे वॉशिंग एरिया आपको मिलता है, तो आप ये वॉशिंग एरिया का भी स्पेस यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है वॉशिंग एरिया का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों बात करेंगे वॉशरूम की, जो इस रूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा और आपका जो है ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी वो आपका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, तो आप ये वॉशरूम का भी स्पेस यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आपका जो है वॉशरूम आपको मिलता है यहाँ पे, तो काफ़ी स्पेशियस ये वॉशरूम भी आपका रहने वाला है। टाइलाइट्स रहेंगी ऊपर टॉप तक, नीचे एंड इसके टाइल्स रहेंगी, और वॉशरूम फिटिंग सारी आपको यहाँ पे लगा के दी जा रही हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने थर्ड बेडरूम की, तो आइए लिए चलते हैं आपको थर्ड बेडरूम की तरफ भी। तो आप ये साइज देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस एक डिसेंट साइज आपको मिल जाता है आपको थर्ड बेडरूम में भी। फॉल सीलिंग की अगर बात की जाए, तो फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं एक शानदार डिज़ाइन में आपको फॉल सीलिंग जो है यहाँ पे मिल जाती है, और अलमीरा आप ये देख सकते हैं दोनों तरफ आपको ये इस तरह से आपको अलमीरा मिल जाएंगी, बीच में आपका यहाँ पे बेड लग जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ऑफिस सेटअप यहाँ पे किया गया है, बट आपको प्रॉपर जो है यहाँ पे आप बेड लगा सकते हैं, और सामने जो है आपका एलईडी पैनल आपको मिलता है यहाँ पे। और इधर अगर हम बात करें, तो जो आपको एक विंडो और आपको मैश विंडो के लिए एक्सेस दिया गया है, ताकि रूम के अंदर आपका वेंटिलेशन सनलाइट पूरा रहे, और एसी फिटिंग्स भी आपको पूरे घर में ही दी जा रही है। अब बात करेंगे अपने वॉशरूम की भी, तो अटैच वॉशरूम भी आप देख सकते हैं, फुल सीलिंग हाइट टाइल्स रहेंगी इसकी, और नीचे एंड इसके टाइल्स रहेंगी, और सारी वॉशरूम फिटिंग जो है वो आपको लगा के दी जाएंगी, तो काफ़ी स्पेशियस आपका ये वॉशरूम भी आपको मिलता है यहाँ पे। दोस्तों ये था हमारा 3 BHK फ्लैट, काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी मैं ये कहूँगा कि अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर हम बात करें साइज़ की, तो 135 गज के ये साइज़ में आपको ये घर आपको मिलने वाला है। और इस घर की एक और खासियत, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया आपको, बिल्कुल ये आपका हाईवे के जस्ट एडजॉइनिंग ही आपको ये घर मिलने वाला है, हार्डली 100 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं होगा हाईवे से, खरड़ चंडीगढ़ हाईवे से यहाँ का बिल्कुल निज्जर चौक जो है उसके जस्ट एडजॉइनिंग ही ये घर आपको मिलता है यहाँ पे सेक्टर 126 में। और इस घर में एक और खासियत, जो हमें यहाँ पे प्राइस कोट किया जाएगा बिल्डर की तरफ से, घर का जो प्राइस है वो है 42.90 लाख, 42,90,000। तो 42,90,000 में हमें यहाँ पे फुली फर्निश्ड 3 BHK जस्ट एडजॉइनिंग हाईवे आपका ये घर आपको मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों हमारे जो व्यूअर्स इस तरह का घर अगर ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका सर्च यहाँ पे ख़त्म होगा, क्योंकि जो रीचेबिलिटी देख रहे हैं, एक्सेस देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट होम होने वाला है। तो मेरी अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो टाइम निकालें और इस घर को एक बार ज़रूर विजिट करें, हो सकता है उनको ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाए, पसंद आ जाए, तो डेफिनेटली हम जो है 1-to-1 डिस्कशन पे बिल्डर के साथ आपका जो है रेट बेस से बेस नेगोशिएट करवाने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस घर के रिगार्डिंग कोई भी अगर जानकारी चाहिए, तो हमारे नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और विजिट का शेड्यूल कर सकते हैं। तो आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नई प्रॉपर्टी पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।